हे गाइस, मेरा नाम है अक्षय। वेलकम बैक टू वर्ड्स में रिव्यू। आज के इस वीडियो में अपकमिंग मराठी हिस्टोरिकल मूवीज के बारे में बात करने वाला हूँ। सो इसलिए वीडियो एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस देखो, साउथ इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हॉलीवुड की तरह हमारे मराठी इंडस्ट्री में भी कई सारी रोमांटिक, सस्पेंस, थ्रिलर जॉनर वाली मूवीज़ तो कई सारी बनती है, बट हमारी जो मराठी ऑडियंस है ये हिस्टोरिकल ड्रामा वाली मूवीज़ की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षित है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिग्पाल लांजेकर की पावन किंड, जिसने 16 करोड़ प्लस का बिजनेस किया एट द बॉक्स ऑफिस, और वो भी 50% ऑक्यूपेंसी पर। और पावन किंड जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद दिग्पाल लांजेकर एक बार फिर अपना कमबैक करने वाले हैं विद द हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी जिसका नाम है शेर शिवराज है। इस फिल्म की शूटिंग तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और फिलहाल ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है। और दिग्पाल लांजेकर ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि इफ एवरीथिंग गोज वेल वो जल्दी इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करने वाले। अब देखने वाली ये बात है कि क्या ये फिल्म पावन किंड का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या ये फिल्म पैन इंडिया लेवल तक पहुंच पाएगी। बात अगर मराठी हिस्टोरिकल ड्रामा मूवीज बनाने की हो तो इसमें दिग्पाल लांजेकर को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, क्योंकि 2022 यानी ये साल वो और एक फिल्म लेके आने वाले जिसका नाम है भद्रकाली, जो सर सेनापति उमाबाई की लाइफ हिस्ट्री पर आधारित है। भद्रकाली इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले प्रसाद ओक और इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले है अजय अतुल। फिलहाल तो इस मूवी के मेकर्स ने स्टारकास्ट को रिवील नहीं किया, बट 8 से 9 महीने पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर जरूर रिलीज हुआ था, जिसे मराठी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी किया था। बात जब मराठी फिल्म्स को प्रोड्यूस या फिर सपोर्ट करने की हो तो इसमें जी स्टूडियो सबसे आगे होते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया एक मराठी हिस्टोरिकल ड्रामा जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक है। और इस बार मैं जी स्टूडियोज को स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहूंगा, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया छत्रपति शिवाजी महाराज की और एक बायोपिक जिसका नाम है हर हर महादेव। कुछ हफ्ते पहले जी स्टूडियोज ने इस फिल्म का फर्स्ट लुक टीजर रिवील किया है, जिसमें वॉइस ओवर दिया है राज ठाकरे। फिलहाल तो इस मूवी के मेकर्स का मानना है कि वो हर हर महादेव को दिवाली के वक्त रिलीज करने वाले हैं। सो आई रियली होप कि इस बार जी स्टूडियोज प्रोडक्शन वैल्यू और बजट के मामले में जरा भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। इस साल शिव जयंती में और एक मराठी हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी की अनाउंसमेंट हुई, और उस फिल्म का नाम है बाल शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इनिशियल चाइल्डहुड अचीवमेंट्स को दर्शाने वाली। रवि जाधव खुद इस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर है, जो पिछले 8 सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, एंड फाइनली उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट नरेट की इरोस इंटरनेशनल और संदीप सिंह को। इस फिल्म की शूटिंग जून महीने से स्टार्ट होने वाली है, सो मोस्टली ये फिल्म नेक्स्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में रिलीज होगी। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले रितेश देशमुख ने भी अनाउंस किया था कि वो जल्दी छत्रपति शिवाजी महाराज की बायोपिक करने वाले और उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले नागराज मंजुले। मेकर्स ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट टीजर तो रिलीज किया था, पर उसके बाद इस फिल्म का कोई भी अपडेट नहीं आया। अब ये फिल्म बन रही है या फिर नहीं बन रही है, ये राज भी उन्हीं के साथ चला जाएगा।
2022 और 2023 ये मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है, क्योंकि इन चारों मूवीज़ के अलावा भी सरसेनापति हंबीराव, कान्होजी आंग्रे, छत्रपति तारानंदी जैसी मूवीज़ भी रिलीज होने वाली है। आता मराठीत म्हटलं तर जर हे सगळे चित्रपट मराठी भाषेत सोबत हिंदी, तमिळ, तेलुगू आणि इंग्लिश भाषेतही डब करून रिलीज केले तर बाहेरच्या लोकांनाही कळेल की आपला मराठी कॉन्टेंट किती स्ट्रॉंग आहे। तो गाईज आज के व्हिडिओ में इतने, आप कौन सी मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the bell icon to get more updates on the upcoming video. So take care and see you soon.